हमारी सरकार दावा तो करती है कि उनके अधिकारी घूस नहीं लेते हैं, करप्शन का अंत हो चुका है, परंतु ऐसा अब तक संभव नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है। आज भारत देश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, इसकी जड़ें तेजी से फैल रही है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। यदि हम इस वर्ष की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज बीटी न्यूज़ अपने स्क्रीन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता है। आप इस स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एक होमगार्ड ने अवैध भूषा कर्मियों से पैसा वसूल रहे हैं। जी हाँ, यह तस्वीर जिला बेगूसराय लोहिया नगर रेलवे गुमती के ऊपर बना नवनिर्मित ओवरब्रिज का दृष्टांत है, जहां एक राह चल रहे राहगीर ने इस घटनाक्रम के मध्य ही पुलिस को भूषा वालों से पैसा लेते हुए टोक दिया। इतना ही नहीं, राहगीर के पूछने पर पुलिस ने व्यक्ति को बड़गड़ाते हुए कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों को जाकर पकड़े, हमें क्या बोल रहे हैं। यह दृष्टांत जिला बेगूसराय में चल रहे अवैध भूषा कारोबारियों से वसूलते हुए हर जगह देखा जा सकता है। भूसावला पैसा लेते हैं, ये सब करते हैं। भूसावला पैसा लेते हैं, हाँ, भूसावला पैसा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ए सुनिए ना, ए सिपाही जी, क्या नाम हुआ आपका? अरे भैया, ये तो कहाँ है रख, भूसा का वर्का को देखिए ना, भूसावला का है लिए, सुनिए ना, भूसावला का है लिए। ए सिपाही जी, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, काहे लिए ऐसे पैसा।